कलेक्ट्रेट तहसील और थानों में जमीनी न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है कराहल का रज्य आदिवासी। खबर कराहल से है, जहां खुद की जमीन को कब्जाधारियों से मुक्त कराने के लिए दर दर की ठोकरें खाता फिर रहा है कराहल निवासी रजिया आदिवासी। उन्होंने बताया कि उसकी जमीन का सीमांकन अब से 2 वर्ष पूर्व कराहल तहसीलदार के आदेश पर पटवारी गिरदावर द्वारा किया गया था और मौके पर कब्जा भी दिलवाया गया था, मगर कुछ दिनों बाद ही मेरी तबीयत खराब हो जाने के कारण मैं खेत पर नहीं जा सका और उसी दौरान कुछ लोगों ने मेरे खेत में जबरन फसल बो दी थी। मेरे द्वारा मना करने पर भी लोग मेरे खेत पर जबरन कब्जा किए हुए हैं। मैं लगातार 2 वर्षों से न्याय की गुहार लगाने के लिए कई बार आवेदन कलेक्टर साहब, एसपी साहब और कराहल तहसीलदार को दे चुका हूं। कराहल थाने में तो मेरा आवेदन तक नहीं लिया जाता है, अब मैं जाऊं तो कहां जाऊं। आज कराहल एसडीएम उदयवीर सिकरवार ने मेरे मामले को गंभीरता से लेते हुए मेरे सारे ज़रूरी कागजात देखे और मुझसे सीमांकन रिपोर्ट के आधार पर 250 की कार्यवाही तहसील न्यायालय में करने को कहा। उसके उपरांत फैसला आने पर मेरे खेत को कब्जा मुक्त कराने की बात कही है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन की कलम से रजिया को कब तक न्याय मिल पाएगा। जी दादा, आप जो यहाँ पे आज आए हो, क्या मामला है? हेलो, क्या मामला है? जी मामला साहब जमीन को है। क्या परेशानी आ रही है आपको जमीनी संबंधी? जमीन संबंधी में साहब मुझे जमीन नहीं मिल पा रही मेरी, आपकी जबरदस्ती मान लो मेरी जमीन का आज नहीं छोड़ पा रहे। आपने सीमांकन वगैरह करवा लिया है? सीमांकन तो कराया सर, सीमांकन तो मान लो शासन द्वारा ही होया, मैंने कोई पैसा के वर्जन नहीं कराया। सर मैं मान लो 2 साल से बराबर लगा था चलवा रहा हूँ, पैसा देला मान लो, फिर भी वे मान लो जमीन काज नहीं छोड़ते। रात काज जाते हैं, रात काज फसल बोआते हैं, अब फिर मेरे पे इतने पैसा कहाँ रखे? मैं मान लो गरीब आदमी हूँ, जाना कौन है भाई कौन नहीं, मान लो मौके पे मिलते ही नहीं है मुझे ना। तो आपको जब सीमांकन करके दिया तो आपको कब्जा नहीं दिया गया था? कब्जा दिया सर। तो फिर आपने अपनी फसल क्यों नहीं जोती? जोता सर, मैं बीमार पड़ गया जिस कारण में मेरे से छूट गई। जो अभी आप जो वहाँ जाते हो तो वो लोग क्या कहते हैं, क्या क्या परेशानी है पूरी बताइए। परेशानी चाहिए सर, मुझे जमीन चाहिए। अब वहाँ जमीन पे बिल्कुल आड़े भी नहीं आंदे मेरे काज, बिल्कुल मान लो मैंने सब तरह ही उनसे वो कर ले, ज़्यादा भैया छोड़ो जमीन है नहीं सर, मार भी को तका तक तैयार हो रहे हैं। तहसीलदार साहब और एसडीएम साहब के यहाँ आप आते हैं, वो क्या कहते हैं? बिन कहीं तो कहाँ हो जाएगा काम, फसल काटिया बाल दूसरे ने बाना फसल बोती वहाँ फसल काट लें दो, उसी के बाद हम तेरे का जमा देंगे देंगे जमीन है, छोड़ देगा वो। हाँ साहब मैं 200 बार हो आओ कहीं भी मान लो मैं जाता हूँ, मान लो मेरी कोई नहीं आओ बचाई नहीं मेरे पास, मैं डिग डिग के ही थक गए। अब कलेक्टर का भी गा, तहसीलदार का भी गा साहब, मैं सबरीन का आया और सबरीन का आवेदन दे चुका हूँ मैं, मेरी कोई कार्रवाई नहीं। और कराल थाने में भी मान लो आता हूँ, कराल थाने में कहते जा लग जा कुत्ता कि नहीं ललकार के बजा देता सर मेरे काज, कराल थाने में तो मेरे आवेदन भी नहीं लिख पा अभी। हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम है राकेश। क्या परेशानी है राकेश, आप आए हो यहाँ पे आज? हमें बहुत ज़्यादा परेशानी है, हमारी जमीन की सुनवाई ना हो रही, और यहाँ तहसील भी आते हैं दोनों, कहते हैं हो जाएगा काम, मनमान जगह फिर आए कलेक्टर का भी दे दिया, तहसील वहसील सब थाने वाने सब हो गया, कुछ सुनवाई नहीं हो रही हमारी। हमारी परेशानी ये है कि बस जमीन छोड़ दे। ये आप जो जिनके संगाया कौन है ये तुम्हारे? हमारे जो पिताजी है जो वैसे ही विकलांग है, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा बेकार रहती है, बीमार पड़े रहते हैं जो, अब बीमार पड़े रहते हैं इसमें हम क्या करें, अब वे छोड़ नहीं रहे जमीन। तुमने जमीन जोतने की कोशिश तो की होगी? कोशिश करते हैं ना सर, फिर रात में जोते जाते हैं, रात में जोत के चले जाते हैं, हमें पता ही नहीं पड़ता, सुबह जाते हैं तो जुती मिलती है, फिर आते हैं तो फसल वो दे देते, कहते फसल काट लें दो। हम 2-3 साल से है, 2 साल से है फिर रहे, कोई सुनवाई नहीं हो रही, हम सोपर वोपर कलेक्टर वलेक्टर सब के फिर आए, हमारी कोई सुनवाई नहीं है, हमें ज़मीन मिलेगी कि नहीं मिलेगी।